फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिंच यू क्रिएशन। आज की वीडियो में हम बनाएंगे डिजाइनर ज्वेलरी बॉक्स विथ मल्टी पॉकेट। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं। हम बनाएंगे लोकर ज्वेलरी बॉक्स विथ मल्टी पॉकेट। इसके लिए मैंने 4.5x8 का एक क्विल्टेड पीस लिया है, जिसको मैंने रबर शीट से अटैच कर लिया है। इसी मेजरमेंट का एक फैब्रिक पीस लिया है, 11x6 इंच के 4 क्विल्टेड पीस लिए हैं, 8x3.5 का दो प्लास्टिक सीट लिए, उसी मेजरमेंट की दो जीप ली है, 6x3.5 की 8 प्लास्टिक सीट ली है, 6 इंच की 8 जीप ली है, 19 इंच के दो क्विल्टेड पीस लिए है, उसी मेजरमेंट की जीप ली है जिसमें दो रनर डालने हैं। इसमें सिंगल सिंगल रनर आएंगे, क्विल्टेड पीस लेने हैं और इसको हमें बीच में से फोल्ड करना है, और यहाँ पर हम चोक से मार्क लगा देंगे। इसी ही मेजरमेंट की हमें जीप लेनी है। इसको हम ऐसे रखेंगे, हमने इस तरह से जीप को अटैच कर लिया है। अब हमें ये क्विल्टेड पीस की दूसरी साइड इस तरह से जिप को अटैच करना है। इस तरह से हमें ये 3 पीस को ऐसे ही तैयार करना है। इसे हमने 4 क्विल्टेड पीस रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसी ही मेजरमेंट की प्लास्टिक शीट लेनी है, और इस प्लास्टिक शीट को हमें इस तरह रखना है और यहाँ पे स्टिच करना है। इस तरह से हमें दोनों प्लास्टिक शीट को अटैच कर लेना है। ऐसे ही हम सारे प्लास्टिक शीट को कवर कर लेंगे। चारों शीट को इसे प्लास्टिक सीट से कवर कर लिया है, और अब हमने जो बीच में मार्क लगाया था उस पर हमें इसको ऐसे ऐसे रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। उसको उल्टा करके इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें चारों पीस को रेडी करना है। हमने चारों पीस को रेडी कर लिया है और हमने रनर भी लगा लिए। अब हमें इस पार्ट को ऐसे करना है और दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। बची हुई जिप को हम इसे कट कर लेंगे। अब हमें दोनों साइड पाइपिंग लगा लेनी है। पाइपिंग को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इसे हमने दोनों साइड पाइपिंग लगाकर
रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमें इन तीन पीस को भी ऐसे ही रेडी करना है। क्विल्टेड पीस लेना है और 8 इंच की प्लास्टिक सीट और उसके ही मेजरमेंट की जिप लेनी है। इसको हमें जिप से अटैच करना है। हमें इस तरह से हमें इस पीस को इस तरह और दूसरी शीट को इस तरह रखना है। हम दोनों साइड यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। शीट को अटैच कर लिया है। अब तीनों साइड से हम लॉक लगा देंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हमें ये दो क्विल्टेड पीस लेने हैं 19 इंच के। इस पीस पर हमें जिप लगानी है। उसको सीधा करके इस पर दांत सिलाई चला लेनी है। दूसरे पीस को हम ऐसे रखेंगे और उस पर भी स्टिच लगा लेंगे। इस कपड़े को हमने जिप लगाकर रेडी कर लिया है। अब हमें एक क्विल्टेड पीस लेना है और इस पर यहाँ से 6 इंच का मार्क लगाएंगे। और इसके यहाँ से 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे और इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे। दोनों साइड हम ऐसे ही मार्क लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने दोनों साइड मार्क लगा लिया है। अब ये पीस लेंगे और इसको इसके सेंटर में ही रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारे 12 पॉकेट बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमें मेन फैब्रिक को लेना है और इसको इस तरह से पिनअप करके चारों साइड सिलाई लगा लेनी है। चारों तरफ से सिलाई लगा के हमने रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और दूसरी साइड भी हम 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही मार्क लगाना है और हम इस बेल्ट
लगा ली है। अब मैं इस कट को इस कट से मिलाते हुए दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। हमने दोनों साइड बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हमें इस पर पाइपिंग लगा लेनी है। पाइपिंग लगा के बॉक्स को रेडी कर लिया है और हमारा बॉक्स यूज के लिए तैयार है। Thank you.